हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनटोल्ड इंडिया। एवरेस्ट हिमालय माउंटेन रेंज और दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर, जिसे दुनिया भर के माउंटेनियर्स और साहसिकों का मक्का माना जाता है, जो सेवन समिट यानी कि पृथ्वी के सातों महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों में सबसे ऊंचा और खतरनाक पहाड़ माना जाता है। 29 मई 1953 न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नॉर्गे ने पहली बार एवरेस्ट को समिट करने की पुष्टि की, और आज के दौर में हर साल तकरीबन 700 से 900 लोग एवरेस्ट के शिखर पर जाने की कोशिश करते हैं। एवरेस्ट समुद्री तल से 29,029 फीट ऊंचा है, लेकिन एवरेस्ट को खतरनाक इसीलिए भी माना जाता है क्योंकि शिखर के करीब पहुँचने पर हम उस ऊँचाई पर सांस नहीं ले पाते जिस ऊँचाई पर प्लेन उड़ते हैं। अब तक दुनिया भर के तकरीबन 300 लोगों ने एवरेस्ट पर अपनी जानें गंवाई है। पिछले कुछ ही सालों में ही अंदाजन 40 लोगों ने एवरेस्ट पर अपनी आखिरी सांसें ली, जिनमें 2014 में हुए हिमस्खलन की वजह से 16 लोग और 2015 में नेपाल में आए भारी भूकंप की वजह से एवरेस्ट पर भी कई हिमस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई और उनमें तकरीबन 22 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इन सभी खतरों के बावजूद एवरेस्ट से जुड़े कई विश्व रिकॉर्ड इंडियंस के नाम पर है, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो चलिए आज बात करते हैं उन विश्व रिकॉर्ड की जो इंडियंस ने अपने नाम पर की और एवरेस्ट पर हमारा तिरंगा लहराया है। ताशी और नंगशी मलिक, इनके नाम एक या दो नहीं तकरीबन 6 से ज्यादा विश्व रिकॉर्ड है, और यह इंडिया और साउथ एशिया की इकलौती पर्वतारोही है जिन्होंने पृथ्वी के सातों खंडों के सबसे ऊंचे शिखर को अपने नाम किया है। और इतना ही नहीं, सबसे कम उम्र में एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम यानी कि सातों समिट के बाद नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण छोर तक पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है। मालवतपूर्णा, सबसे कम उम्र की लड़की जिसने एवरेस्ट समिट किया है, सिर्फ 13 साल 11 महीने की उम्र में 52 दिनों का लंबा सफर तय करके 25 मई 2014 सुबह 6 बजे एवरेस्ट को समिट किया। अरुणिमा सिन्हा, 2011 में हुए एक ट्रेन हादसे में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था, लेकिन इस हालत में भी एवरेस्ट को समिट करने वाली वो एक लौती महिला है। चलिए उस दुखद घटना के बारे में उन्हीं की ही जुबान से सुनते हैं। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चैन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा, दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे, छोटे छोटे पत्थर होते ऐसे चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई बचा, कोई नहीं आया बचाने। 2014 में उन्होंने अपनी पहली किताब भी लिखी, और इस किताब का विमोचन खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2015 में उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। संतोष जी दुनिया की पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट को एक से ज्यादा बार समिट किया था, और उनके नाम एक और विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज है कि ये एक पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट के सबसे खतरनाक माने जाने वाले रास्ते को, जिसे ईस्ट फेस या कंगचुंग फेस भी कहा जाता है, वहां से एवरेस्ट को समिट किया है। संतोष जी को सन 2000 में इंडियन गवर्नमेंट ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। वे आज इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस की अफसर है। हर्षित सौमित्रा, 18 अक्टूबर 2014 हर्षित ने सिर्फ 5 साल की उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे काला पत्थर पीक जिसकी ऊंचाई 18,519 फीट है तक पहुंचा था, और उनके साथ उनके पिता और दो शेरपा गाइड भी मौजूद थे। कुशंग शेरपा, वे भारतीय मूल के शेरपा है जो सबसे पहले पर्वतारोही थे जिन्होंने एवरेस्ट तक पहुंचने वाले सारे रास्तों से एवरेस्ट को समिट किया है, जिसमें 2 बार साउथ कॉल, 2 बार नॉर्थ कॉल और 1 बार कांचन फेस भी शामिल है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अनटोल्ड इंडिया के एक नए एपिसोड में।